फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में से ही स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मैं उठ के सबसे पहले फ्रेशन अप हो जाऊँगी। और अभी आशीष और आशी दोनों लोग सो रहे हैं, सो मैं उठ गई थी और सोचा जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आराम से बैठ के वॉर्म वाटर पीती हूँ। और मॉर्निंग में उठते ही मैं हड़बड़ी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले आराम से मैं पानी पी लूँ, उसके बाद मैं किचन में जाती हूँ। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और अभी सब लोग उठ गए थे, सो मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है। और यहाँ पर जो भी बर्तन थे रात के वॉश किए हुए, वो सारे मैं अपने अपने जगह पे रख दूँगी। और यहाँ पे चाय भी बन गई है, सो अभी मैं और आशीष बैठ के चाय पियेंगे। और इस टाइम पे हम लोग इंडिया भी बात करते हैं, घर पे सबसे बात कर लेते हैं। सो ये चाय का टाइम बहुत ही रिलैक्स होके हम लोग पीते हैं। और यहाँ पे ना आशी का ट्यूशन क्लास स्टार्ट होने वाला है, तो उसको पापा उसको कॉम्प कर दे रहे हैं। और मैंने आशी को आज कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क दे दिया है, और उसके ना स्टार टेस्ट होने वाले हैं। सो शी इज़ इन ग्रेड 4th और उसके 2 सब्जेक्ट के स्टार टेस्ट होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 चोटी भी बना दी है उसके पापा ने, और यहाँ पे वो ट्यूशन पढ़ रही है। सो उसके बाद मैं चली गई थी शार लेने, और मैं शार लेके आ गई हूँ। सो अभी भगवान जी के हाथ जोड़ के पूजा कर लूँगी, इसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। सो मैं ये मैक्रोनी एंड चीज़ बना रही हूँ, बट ये ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और इनफैक्ट किसी को भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, ये अजीब सा था थोड़ा। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी, थोड़ा सा किचन क्लीनिंग भी बीच बीच में करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ना फिर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा बहुत क्लीनिंग करती रहती हूँ, जिससे बहुत ज़्यादा एक साथ ना हो जाए। सो अभी मैं लंच बनाने के लिए आ गई थी, मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, ब्रेकफास्ट के बाद मैंने थोड़ी देर टीवी देखा, और उसके बाद मैं अभी किचन में आ गई हूँ लंच के लिए। सो लंच में ना कल का राइस बहुत सारा बच गया था, और मैंने कल न्यूट्रिला की सब्ज़ी बनाई थी, सो वो भी बच गया था। सो मैं कोशिश करती हूँ कि फ़ूड वेस्टेज बहुत ही कम हो, बहुत मिनिमम ही बनाती हूँ, बट कभी कभी जब बच जाता है तो मैं उसको अच्छे से पैक करके रख देती हूँ, जिससे बाद में मैं यूज़ कर लूँ। सो मैं आज बनाऊँगी वेज पुलाव, वेज फ्राइड राइस टाइप का। सो उसके लिए मैं अभी ये प्याज एक चॉप कर ले रही हूँ, और सारे वेजीज़ मिला के जो भी मेरे पास अवेलेबल हैं उन सबको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। मेरे पास कुछ फ्रोज़न मटर हैं, ब्रोकली है, और कैरेट, मतलब जो भी वेजीज़ मेरे पास थे मैंने उन सबको ले लिया है। आपके पास जो भी सब्जियां हो, जो भी आपको पसंद हो, वो आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैं अभी ये जो कैरेट है मैं उसको कट कर ले रही हूँ। सो यहाँ पे जो भी चीज़ें मुझे चाहिए मैंने उन सबको चॉप कर लिया है। तो गाइज, बस अभी मैंने लंच की प्रिपरेशन कर ली है, और यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें चॉप करके रख दी है। यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया है, ये 2 टमाटर है, और 2-3 हरी मिर्च है, जो भी स्पाइस का है वो, चिली का है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। और अभी यहाँ पे आशी पढ़कर आ चुकी है, उसका भी स्टार टेस्ट है, तो मैंने बोला है बस आप आज बिल्कुल पढ़ोगे और आज से कोई टीवी नहीं। ओके, सो यहाँ पे ना मैंने 4-5 जो गार्लिक है उसको क्रश कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक है। और वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा देती हूँ, वेजिटेबल्स में फ्रोज़न मेरे पास ये ब्रोकली रखे थे, ब्रोकली है, थोड़ा सा कैरेट है, और ये फ्रोज़न पीज़ है।
सो सब्जियां आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो ले सकते हैं। सो चलिए जल्दी शुरू करते हैं, अभी बज गया है 12 बज चुका है। सो चलिए जल्दी से शुरू करती हूँ बनाना। सबसे पहले कुकर रखेंगे। सो सबसे पहले मैं डाल दे रही हूँ ऑयल। सो यहाँ पे मैंने लगभग 1.5 चम्मच ऑयल ले लिया है, इसको गर्म होने देंगे। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, 1 इलायची, 2-3 लौंग, थोड़ा सा दालचीनी, थोड़ा सा जीरा, और अभी मैं हरी मिर्च डाल दे रही हूँ। साथ ही मैं लहसुन और अदरक भी डाल दूँगी और इन सबको अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक जो रॉ स्मेल है वो चली ना जाए। इसके बाद मैं इसमें अनियन डाल दे रही हूँ और अनियन डालने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। मैं कुकर में बना रही हूँ, आप किसी में भी पैन में बना सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमें सिर्फ सब्जियों को ही फ्राई करना है, राइस मेरे पास लेफ़्ट ओवर है। इसके बाद मैंने टमाटर ऐड कर दिया है और टमाटर के डालते सॉल्ट भी डाल दिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अभी मैं जो वेजीज है वो डाल दे रही हूँ। सो जो भी मेरे पास थे मैंने डाल दिए हैं और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सो बहुत ज़्यादा हमें इसको बॉयल नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। और अभी थोड़े से स्पाइसेस जाएंगे। सबसे पहले मैंने डाल दिया हल्दी पाउडर, इसके बाद मैंने थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है, और बस ये जो राइस रखे थे मेरे पास उनको मैं अच्छे से ब्रेक कर लूँगी, क्योंकि ये फ्रिज में थे ना तो वो जम जाते हैं। सो उसको राइस को मैंने अच्छे से ब्रेक कर लिया है और मैंने मिक्स कर दिया। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा सैलेड भी कट कर ले रही हूँ, कुकुम्बर और कैरेट और थोड़ा सा अनियन। सो बस मेरा लंच रेडी हो गया है। ये देखिए, ये मेरी बिरयानी या पुलाव या फ्राइड राइस, आप जो भी कह लो, साथ ही थोड़ा सा सैलेड है और न्यूट्रीला और आलू की सब्जी है। हाय फ्रेंड्स, सो बस हम लोगों ने लंच कर लिया है और अभी मैं ना आपको एक वॉलमार्ट का क्विक सा हॉल दिखाने वाली हूँ जो मैंने रिसेंटली परचेज किया है वॉलमार्ट से ऑफकोर्स। सो यहाँ पे कुछ समर के ना टी शर्ट्स हैं मेरी डॉटर के लिए। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। सो सबसे पहले तो ना मैंने ये एक टी शर्ट लिया है, ये ब्राइट पिंक कलर का है, ये देखिए ये ऐसे है। सो ये लिया है, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये टी शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ये देखिए ये ऐसे है। तो ये एक है और इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है ना कि गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सो इसीलिए मैंने इस तरह के टी शर्ट्स ले ली, क्योंकि स्कूल में भी यहाँ पे यूनिफॉर्म तो होता नहीं है, तो यहाँ पे डेली ऐसे पहन के ही जाना पड़ता है घर का, मतलब होम ड्रेस। सो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, स्कूल के लिए भी कम्फर्टेबल होगा। और ये शॉर्ट्स लिए हैं दो, एक इस कलर में है और एक चेक में है। सो ये भी काफ़ी सॉफ्ट है। सो प्योरली सारे कॉटन के हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटर कॉटन, अगर आप देख पा रहे हैं तो। सो ये है, दो शॉर्ट्स लिए हैं मैंने और अच्छा लगा। एक ये है फ्रॉक, ये ऐसे है बॉबी प्रिंट में, मुझे ना बॉबी प्रिंट बहुत ज़्यादा पसंद है। सो ये एक है। ये सारे कपड़े ना बहुत कंफर्टेबल हैं, मतलब स्पेशली फॉर समर्स। और वॉलमार्ट में बहुत अच्छे अच्छे और भी कलेक्शंस हैं, आपको अगर चेक करना तो चेक कर सकते हो, इस टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शंस आए हैं। सो ये एक है फ्रॉक और टी शर्ट है, ये मैंने अपने लिए लिया है, ये ऐसे है वाइट पे यूनिकॉर्न, सो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये ना क्लियरेंस पे भी था, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, सो मैंने ये ले लिया। ये ओनली $4 का है, ये देखिए ये ओनली $4 का है। सो ये मैंने ले लिया, ये एक लिया है और ये एक शॉर्ट्स लिया है मैंने डॉटर के लिए अपने। यहाँ पे इसमें देखिए ऐसे प्रिंट्स बने हुए हैं डेनिम के ऊपर। सो ये एक लिया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, ऐसे है ये बैक पे।
सो ये एक है और ये भी मैंने टी शर्ट एक लिया है, प्लेन सा है, पूरा प्लेन है ये। सो घर के लिए भी ना बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है वो कॉटन का, अगर आपको मिल जाए तो। अभी सारे समर्स पूरा शुरू हो गया है, सो घर के लिए ना कंफर्टेबल कपड़ा हो तो बहुत सही रहता है। सो ये दो टी शर्ट मैंने अपने लिए, बाकी तो डॉटर के लिए। और ये एक ये है फ्रॉक, ये भी मैंने अपनी डॉटर के लिए लिया है। ये जो ब्लैक पे ये जो वाइट फ्लावर्स के प्रिंट्स है ना, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। सो ये एक लिया है मैंने, ये ऐसे इसका जो नेक है वो ऐसे भी शेप में है। और मैंने ना कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ लिपस्टिक भी लिए हैं। सो ये मैंने लिया है, ये दोनों, ये है लॉरियल का। सो चलिए मैं आपको शेड दिखा देती हूँ। ये है 180 पिंक फ्लेमिंगो। सो मुझे ना लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, सो मैंने एक ये कलर लिया, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये है, ये कलर है पिंक कलर। सो इसका शेड मैंने आपको बता ही दिया। एक ये है और सेकंड है 260 रसबेरी रश। एक ये भी है, ये देखिए ये बिल्कुल डार्क कलर है। सो एक ये है। सो दोनों में एक लाइट है और एक बिल्कुल डार्क है, ये देखो आप। सो ये दोनों है। और मेबलिन का एक मैंने मेबलिन का लिया है, ये लिपस्टिक। इसका शेड है 411 प्लम रूल। सो इसका शेड मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है डार्क मरून, ये है डार्क मरून, ये है इसका शेड। सो मुझे लिपस्टिक में, मतलब मुझे सबसे ज़्यादा अगर कॉस्मेटिक्स में मैं कोई चीज़ लेती हूँ तो वो लिप शेड्स ही होते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का, ये अभी पैक्ड ही है खुद, तो ये है, ये पर्पल कलर में है। सो इसका शेड है 527B, ये शेड है इसका पर्पल कलर में। सो ये चार लिपस्टिक मैंने लिए हैं। सो ये है और मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड का एक आईलाइनर, पेंसिल आईलाइनर है ये, काफ़ी कंफर्टेबल होता है पेंसिल वाला आईलाइनर। और ये आईलाइनर तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आईलाइनर। आई मेकअप में ना मुझे बस थोड़ा सा काजल और आईलाइनर, यही दोनों चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। सो एक ये है आईलाइनर और ये ना मैंने एक बार यूज़ किया है, ये भी है मेबलिन का, ये भी आईलाइनर है। इसमें थोड़ा सा ये ना ब्राउन कलर में है, हल्का सा ब्राउन कलर है। सो ये एक है, ये है। नेक्स्ट ना एक मैंने ये लिप टिंट, लिप शिमर है ये, ये वाला, ये है बर्ड्स बीज का। सो ये, सो बस यही सारी चीज़ें मैंने ली थी अभी रिसेंटली, मैं वॉलमार्ट से मैंने लिया था। सो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। सो अद्विका का ना मैंने हेड वॉश बहुत दिन से पेंडिंग था, सो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। सो बस अभी मैंने कर दिया है और अच्छे से मैं हेयर ड्राई कर दे रही हूँ। सो अभी मैं ना जा रही हूँ मेल बॉक्स चेक करने, बिकॉज हो सकता है कोई कुरियर आया हो, एक पार्सल अवेटिंग था। सो देखते हैं वो आया है या नहीं। सो ये है ना लीजिंग ऑफिस, चलिए चलते हैं अंदर। सो यहाँ पे ना ऐसे लॉकर्स बने होते हैं और ये, सो हम अपना मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे दो लेटर्स आए हैं और मुझे पार्सल मिल गया है। सो चलिए मैं घर जाके आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। सो घर पे ना देखा मैंने, आशी की फ्रेंड आई हुई है और
ये हमारे नीचे ही नेबरहुड में रहते हैं, नीचे वाले अपार्टमेंट में, और ये लोग ना अभी रिसेंटली ही इंडिया से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ये दोनों मिलके अपने डॉल के लिए डॉल हाउस बना रहे हैं। सो अच्छा टाइम पास है। इसके बाद शाम को आरती कर रही है आशी। देन फिर ना हम लोगों ने चाय वगैरह पी लिया था, और अभी मैं आटा सान ले रही हूँ रात के डिनर के लिए। और आज मेरे हस्बैंड ने बनाया है चिकन। सो ये देखिए, ये बनाया है स्पेशल बंगाली चिकन। सो ये हम लोगों का डिनर। सो मैंने सर्व कर दिया है। सो चलिए डिनर कर लेते हैं अभी। सो डिनर करने के बाद ना मैं कुछ शूट नहीं किया था मैंने, और फिर ये है नेक्स्ट डे का। और मैं जो मेल बॉक्स से मैं पार्सल लेकर आई थी वो मुझे आपके साथ शेयर करना था। सो मैंने ना टेमू ऐप से कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी, और मैंने फर्स्ट टाइम इस ऐप से ऑर्डर की थी। सो चलिए मैं आपके साथ दिखाती हूँ। और टेमू ऐप से ना चीज़ें बहुत ही रीज़नेबल मिल जाती हैं, और बहुत प्रोडक्ट मिल जाते हैं, चाहे वो होम डेकोर हो, कपड़े हो, या किचन की कोई चीज़ें हों। सो बहुत सारी चीज़ें बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। सो मैंने अभी तक इसको ओपन नहीं किया था, मुझे आपके सामने ही इसे ओपन करना था। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। सबसे पहले ये एक टी शर्ट है और शॉर्ट्स है। सो ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था। सो ये है, इसका मटेरियल भी बहुत अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट है। सो ये एक है, बट मुझे लग रहा है ये थोड़ा मैंने ओवर साइज हो गया है, मुझे लग रहा है ये काफ़ी बड़ा है। और इसके साथ है ये शॉर्ट्स, इसमें भी यहाँ पे ऐसे पिंक लिखा हुआ है। सो ये है, सो ये एक ये है शॉर्ट्स, ये मैं आशी के लिए मैंने ऑर्डर किया था। ये है शॉर्ट्स, और ये इसका टॉप है, ये इसका टॉप है, और ये शॉर्ट्स है। सो एक ये है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक ये टॉप है, ये मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, फ्लावर प्रिंट में है ये। ये है, आपको समझ में आ रहा होगा, ये ऐसा है, इस टाइप से। ये है, और ये एक टी शर्ट है, इसका प्रिंट भी मुझे बहुत अच्छा लगा। ये है दिस वन, नेक्स्ट है ये, आई डोंट नो, देखती हूँ, चेक करती हूँ क्या है ये। ओके, सो दिस इज़ अ बेंटो बॉक्स जो मैंने अपनी डॉटर के लिए ऑर्डर किया है। ये है एक बेंटो बॉक्स। सो चलिए मैं इसको ओपन करती हूँ। सो इसमें एक स्पून और एक फोक, ये दोनों मिला हुआ है। और इसमें एक ये पार्टीशन भी है आप ना, हाँ ये ऐसे होगा सेकंड वाले कंपार्टमेंट में, ये ऐसे पार्टीशन है। और इसमें ये थ्री पार्ट्स हैं। सो ये एक लंच बॉक्स है, ये है जो मैंने ऑर्डर किया था, एक ये है लंच बॉक्स, ये देखिए इसमें एक फोक मिला है, और इसमें भी तीन पार्ट्स हैं। सो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ये काफ़ी अच्छा है। और
ये एक ना मैंने मसाला बॉक्स मैंने ऑर्डर किया था, तो जो बेसिक मसाले हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें स्पून भी दिए गए हैं ये ऐसे, और इसको ऐसे, इसका इस तरह से है ये। सो ये भी अच्छा लग रहा है मुझे छोटा सा। और ये एक एक्सटेंड भी हो जाता है, एक्सटेंडेबल है। तो आप ना ऐसे सिंक पे रख के जो भी चीज़ें आपको वॉश करनी हो, आप यहाँ पे फ्रूट्स या सब्जी कट करके आप इसको अपने जो सिंक है उसमें एडजस्ट कर सकते हो अपने सिंक के साइज़ के अकॉर्डिंग, और आप इसको वॉश कर सकते हो। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो और इसको ऐसे छोटा भी कर सकते हो। ये है। सो यहाँ पे देखिए, ये जो एक्सटेंडेबल रैक है ये मैंने अपने सिंक में फिक्स कर लिया, और यहाँ पे मैंने फ्रूट्स रख के इसको ऐसे वॉश करना है। सो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। एंड दिस वन इज फॉर, ये है डिश वॉशर हैंगर, सेल्फ हैंगिंग बैग। सो ये ना आप अपने डिश वॉशर और जो स्क्रबर होते हैं ना वो आप इसमें रख सकते हो, और यहाँ पे ना होल भी है, सो एक्सेस वाटर जो भी है वो निकल जाएगा। और ये बेल्ट है, आप इस मैं यूज़ जब करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसे हैंग होता है। सो ये है, और ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी लगी थी, ये है गार्लिक चॉपर, और ये है, ये मैंने लिया है सोप केस, ये एक सोप केस है, और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये है फोक, छोटे छोटे जो फ्रूट पिकर होते हैं वो है, एनिमल्स बने हुए हैं इसमें छोटे छोटे, तो ये फ्रूट फोक है बेसिकली। ये देखिए, ये ऐसे छोटे छोटे इसमें एनिमल्स, कैट वगैरह ये सारे हैं, ये इस तरह से ये है। नेक्स्ट है ये सैंडविच कटर, ये। सो दीज आर ऑल माई फर्स्ट एमओ ऑर्डर। सो अभी मुझे फ्रैंकली अगर मैं इसका व्यू दूँ तो मेरी जो टी शर्ट्स आई हैं ना वो ओवर साइज आई हैं, ये दोनों टी शर्ट बड़ा लग रहा है मुझे। सो ये दोनों साइज और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है देन प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।